यानी मैंने तो आप लोग सबके सामने थोड़ा सा ही यू नो गाना गाया, और उसमें ही मेरे जो फैंस हैं, हमालियंस जो है, उन लोग सब ने इतना प्यार ऑलरेडी दे दिया गाने को, तो मैं यानी मेरे लिए प्री रिलीज सक्सेस हो गया है फॉर द सॉन्ग. यू नो बहुत टाइम लगता है गाने को लोगों को दिल में जगह बनाने, बट ये गाना आते ही इट्स रीच्ड आउट एवरीवेयर, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी. पहला वीडियो देख के तो यही बोला कि आप है वीडियो में, ये वीडियो आपने किया है. सो आई थिंक मेरा जो जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो मेरा पूरा अटायर है, लुक है, इट्स वेरी इंडियन, वेरी एथनिक, एंड इट्स वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम इन रियल लाइफ. तो आई थिंक वो एक चीज़ मुझे करने का मौका मिला, एंड रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग. सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. So I am pleasantly surprised, and because Amal is a very reluctant actor, a very serious musician, और वो हर एक गाने को बहुत मेहनत से बनाता है, और ये पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि उसने इतनी इंटेंसिटी के साथ परफॉर्मेंस और एक्टिंग भी की है. फॉर अ फादर आई थिंक दिस इज़ क्वाइट अ एनरिचिंग मोमेंट, बिकॉज ये हमेशा जैसे मेरे में बहुत सारे फैसेट्स रहे लाइफ के, और जिस तरह से अमल ने एक कंट्रोल तरीके से एक मैच्योर्ड एक्टर की तरह परफॉर्म किया है, दैट इज रियली सरप्राइज मी, एंड आई थिंक पीपल आर रिएक्टिंग वेरी ब्यूटिफुली टू हिज परफॉर्मेंस. इट इज़ अ न्यू रोल दैट ही इज प्लेइंग, एंड ही इज़ अ प्योर प्योर ब्रेड म्यूजिशियन. भी वो एक्टिंग की तरफ इतना उसका तवज्जो नहीं है, लेकिन इस वीडियो के लिए, मनप्रीत के लिए, ही डिड ऑल द हार्ड वर्क, ही पुट ऑल हिज इनसाइड क्रिएटिविटी एंड डिड इट, सो वेरी थ्रिलिंग, एंड आई एम रियली, आई एम तो वेरी 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 हैप्पी. I think pehle to I would like to say this is directed by Krish, the man here. He is one of my oldest friends and a very very talented artist himself. Aur unka mind tha, you know, ki main, he has seen me grow. और मेरे सब म्यूज़िक वीडियोस देख के उसने एक बात बहुत अच्छी कही कि यानी मैं चाहता हूँ एक अलग अवतार, एक अलग वाइब में तुझे प्रेजेंट करूँ. तो वो रिस्क पहले उन्होंने लिया मेरे को बोलने का कि ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे. तो वो बहुत ज़रूरी है कि यू नो जो डायरेक्ट कर रहे वीडियो उनकी एक विजन को समझना. तो आई थिंक हम लोग दोनों ने वही किया, वी फॉलोड व्हाट वाज इन हिज माइंड, एंड बहुत ही सपोर्ट रहा है फ्रॉम डैड, फ्रॉम मीत सर, फ्रॉम द होल टीम, हाशिम ऑल्सो हुज़ प्रोड्यूस्ड द वीडियो विद अस, हिज वर्क, यानी पूरी कश्मीर क्रू, मुंबई क्रू, सब लोग जो साथ में जुड़े हैं, पहले तो आई वुड लाइक टू से उनको बहुत बड़ा थैंक यू. वेरी ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट क्रू. या या दैट आर ऑल द पीपल, ऑल द पीपल एंड द टीम फ्रॉम कश्मीर क्रू, डेफिनेटली एंड अ थैंक यू टू देम, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू बिस्मा, यू नो बिस्मा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं दिल से म्यूजिक बनाता हूँ, और छोटे छोटे बच्चे मेरे फैंस हैं, उनके दादा दादी भी मेरे फैंस हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग एक म्यूज़िक वीडियो करें या गाना करें, वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आए और चले जाए, यू नो वो काम ऐसा होना चाहिए कि वो रहे लोगों के दिल में और छू के जाए उनके दिल को. तो चलो ठीक है, एक ऐसा ही एक एफर्ट है. एंड परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि मेरे अब तक के जो करियर के इंडिपेंडेंट म्यूजिक वीडियोज रहे, ये शायद मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस रह सकता है. एक्चुअली ऐसा हुआ है कि बबू जी एक बार मुझे घर पे बुलाए, और मनप्रीत उनके साथ थी, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आपके वीडियो की एक्ट्रेस है, और मैंने मिलते ही कन्विंस हो गया कि सही है, सॉर्टेड वेयर एंड से फैंस, क्योंकि ये लगती हैं जिन्हें एक्सपीरियंस हो सकता है, इनके चेहरे पे वो था, इनकी बात करने के तरीके में वो था कि ये अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से बहुत कन्विंस था. सिक्स को रिलीज हो जाएगा जी, बट शूट के दौरान वर यू एक्साइटेड, वर यू नर्वस, वर देयर एनी बटरफ्लाइज?
या अभी वैसे कुछ हो रहा है, इट्स गोइंग टू रिलीज ऑन द 6th? पूरे वीडियो के दौरान दिस होल प्रोसेस मैं बहुत एक्साइटेड रहा हूँ, थोड़ा नर्वस भी था, बट अभी देख के और लोगों का रिएक्शन देख के अभी मेरे को थोड़ा मन संतुष्ट है, थोड़ा काम हूँ मैं. You have a very different background than the real estate business. What really made you part of this music industry and how you feel right now? Well, मैं US में वहीं पर शो ही करवाता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली फर्स्ट, जिस तरह से डब्बू सर के साथ मिलके कुछ प्लानिंग करने का सोचा था हमने, तो ऑलरेडी प्लानिंग चलते चलते, और ये जो गाना है चलो ठीक है, तो हम कुछ भी बोलते हैं चलो ठीक है, तो दिस इज़ वेरी नाइस एंड यू नो इट्स कैची टू एवरीबॉडी, दैट्स हाउ इट इज. सच बोलो, सच क्रिश. सो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आई एम गोना रीट्रेड इट टुडे, मेरे लिए ये शूट नहीं था, मेरे लिए कि लर्निंग जर्नी था. मैं बहुत, इट वाज अ लाइटनिंग ट्रिप फॉर मी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. पहला शूट था, पहली बार सेट्स पे थी मैं, एंड अमल से बहुत कुछ सीखने को मिला. आई मीन जो इनके बारे में स्टूड आउट किया मुझे, ये था कि बहुत ही एक वो नॉनशला पर्सोना होता है ना, लाइक ही इज़ वेरी काम एंड कलेक्टेड ऑन द सेट्स, एंड मैं दूसरे कॉर्नर में आई एम जस्ट क्लस्टर्ड एंड फ्लस्टर्ड, एंड मेरे ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, सो कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो इनसे बहुत सीखने को मिला मुझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज लाइक दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. अगर कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बॉस. सो वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए इन द ट्रिप, एंड एंड सेकेंड डे शूट पे आई वॉज आई थिंक मोर काम एंड कलेक्टेड, सर वॉज इट, यस. पहले दिन तो लोग इनका छाता लेके घूम रहे थे, उसके बाद अगले दिन इन्होंने बोला नहीं नो प्रॉब्लम. पहले दिन तो मैं छाता किधर है, एंड इट वॉज स्कॉचिंग हीट, और ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स दिए जा रहे हैं, एंड आई एम लाइक कैसे हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट ईजी. सो बोलना अलग होता है एंड डूइंग इट इन रियलिटी इज डिफरेंट. सो अ बिग शाउट आउट टू अमल फॉर बीइंग सो कलेक्टेड, एंड एज एन आर्टिस्ट ही परफॉर्म्ड सो ब्यूटिफुली एंड सो स्मूथ. आई एम जस्ट, इट्स कमेंडेबल. या मैं यही बोल रही हूँ कि मतलब इतना, आई से ही इज अ ट्रिपल थ्रेट, कंपोज भी करते हैं, गाते भी, एक्टिंग भी करें, एक्टिंग ही इज कमेंडेबल. मुझे लगा नहीं कि मैं, इट वॉज नेवर ऑकवर्ड, बहुत ही स्मूथ था जो भी हमने शॉट्स किए, एवरीथिंग वॉज लाइक वेरी ब्यूटिफुल एंड कम्फर्टेबल, एंड थैंक्स टू क्रिश इज वेल फॉर डायरेक्टिंग इट सो वेल, यू नो आई मीन ही वॉज क्लियर इन हिज हेड, ही न्यू व्हाट ही वॉन्टेड, सो that made the fun you know even more, it multiplied the fun for me for sure. Yeah. Yeah. Anything music mein aur aapke music mein kya difference hai? Mujhe lagta hai ki main pehle ke zamane ka composer hu, sirf is era mein paida ho gaya. main agar jaisa sangeet banata hu, jaise mere gaane likhe jate hai ya uska music hai, obviously sound 2022 ka hai, futuristic music karta hu main, बट आप गाने की सोल और गहराई देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पुराने गानों का ही वैल्यू मिलेगा मेरे गानों में. तो मुझे नहीं लगता मैं कहीं भी कुछ डिफरेंट करता हूँ. मैं एक चीज़, पुराने म्यूजिशियंस और मेरे फैमिली में भी इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस, मेरे डैड, अंकल, ग्रैंडफादर, एक चीज़ हमने इन सब से सीखी है कि मेलोडी और अच्छे लिरिक्स पे ध्यान ज़रूरी है, एंड वो ही मैंने अपने हर गाने में दिया. आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैं वैसा ही काम करूँ, यानी जो यू नो लोगों के दिल में रहे, वो यू नो देख के उनको क्रिंज नहीं लगे, और यानी एक एफर्ट ऐसी, ये वैसा गाना भी नहीं है, मैं वैसा संगीत भी मैंने नहीं बनाया जहाँ मुझे 500 डांसर या महंगी गाड़ियाँ दिखानी है, यानी वो ऑब्वियसली वैसा उस टाइप का म्यूज़िक और उस टाइप का कल्चर अलग है, पर जो म्यूज़िक से मैं कनेक्ट करता हूँ और जैसे मैं जिस माहौल में बड़ा हुआ, उसमें हर चीज़ में कहीं ना कहीं वैल्यू है. यानी संगीत ऐसे ही नहीं कर रहे हम, गाने ऐसे ही डालने के लिए अगर डालना होते तो कब के डाल देते, तो वो ऑब्वियसली ध्यान रखा है, और वो एक एफर्ट रहती है कि वो फिल्म के भी गाने हो, कि कभी कभी जैसे डांस ट्रैक्स हो या कुछ, उनमें भी कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ कि ख़राब शब्द नहीं यूज़ करें, जिससे आपको लगे कि क्या सुन रहे हो.
सो ये एफर्ट बिल्कुल है कि हमारे एक एक म्यूज़िक वीडियो में एक ऐसा काम हो या ऐसा इमोशन हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि आप सबके साथ देख सको. जैसे बोलते हैं ना फैमिली फिल्म है, वैसे फैमिली म्यूजिक वीडियो भी है ये. मतलब देश ऑफ वर्क यू नो एक जर्नी आपकी जो रही है बहुत कामयाब जर्नी रही है, बहुत कम उम्र में जी, और एक लेगेसी आपके पीछे जी. इसे क्रेडिट देना चाहते हैं आप आज जिस भी मुकाम पे आप, उस इंसान को देखिए उनके बिना और मेरे मम्मी के बिना मुझे नहीं लगता कि और ऑब्वियसली मेरा छोटा भाई भी जो है, आई थिंक हम लोग सब एज अ फैमिली की एफर्ट यही है कि हम अच्छे लोग रहें. आप अच्छे इंसान रहोगे तो आपसे अच्छा संगीत उभर के निकल के आएगा. एक्चुअली अमल के संगीत के अंदर उसके पिता का दर्द बहुत है, बिकॉज उसने बचपन से बहुत सारे ऐसे लम्हे देखे हैं, बहुत सारे ऐसे पल देखे जिसमें अपने फादर की बेइज्जती, फादर के रिजेक्शन, फादर का वो मतलब नॉन एक्सेप्टेंस और अपने फादर की आइसोलेशन उसने 10-12 साल देखी है. हालांकि मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है टू कीप द फैमिली हैप्पी एंड ऑल दैट, बट वो कहीं मुझसे बहुत क्लोजली रिलेट करता है. मेरे दर्द को, मेरे इमोशन को वो बगैर बोले समझता है और वो उसके संगीत में रिफ्लेक्ट करता है. कभी कभी जब मैं उसके गानों को सुनता हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा या चलो ठीक है, इसका जो डेप्थ है इमोशन का, मुझे लगता है मेरे उस अधूरे सपनों के जो इमोशंस हैं इसने उसको संगीत में पिरो कर लोगों तक पहुँचाया है. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है. जिस तरह का मॉल इंडस्ट्री में है कुछ पिछले 23 सालों से, मतलब 4-5 सालों से नेपोटिज्म परिवार आपको लेके इतना बोलना शोर शराबा मचाया था, बिल्कुल मुझे ये गलत उसकी बिल्कुल उलट कहानी सुनाई है, बिल्कुल से आते हैं जी. व्हाट योर टेक? मैं कहूँगा कि दोनों, मैं और मेरे भाई को अगर कोई कहता है कि हम नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स से, तो हमारा संगीत सुन लो, आपको पता चल जाए कि काम से ही उभर के आए दो बच्चे. एंड हाँ, मानता हूँ मलिक फैमिली है, लेगेसी है, सब कुछ है, बट मेहनत से ही आया यार. यानी किसी भी एक इंसान को आप कह नहीं सकते कि यू नो, ये इंडस्ट्री की भी बात नहीं. आप देखो यहाँ पे अंकित तिवारी जैसे भी ये टैलेंट है जिनको मैं बहुत मानता हूँ, वो कानपुर से आए, खुद अपनी जगह बनाई और इस इंडस्ट्री ने उन्हें जगह दी, एक्सेप्ट की, सुपर हिट गाने हुए. एक वो है, एक मैं हूँ जो एक लेगेसी से आता हूँ. तो मेरे लिए और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी क्योंकि मेरे को सरदार मलिक, अन्नू मलिक, डब्बू मलिक के संगीत को यानी उस लेवल तक पहुँचने में मैं बहुत छोटा था, 23 में मैंने डेब्यू किया. सो आसान किसी के लिए नहीं होता है. ये इंडस्ट्री सिर्फ काम को सलाम करती है, मैं मानता हूँ. आपका काम अच्छा है तो आपका सरनेम से फर्क नहीं पड़ता, यू नो, अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो आई थिंक आपको काम मिलते रहेगा. अमल, मुझे लेगेसी की बात की तो आपको लगता है कि मेरी इन्वॉल्वमेंट, हाँ, तो एक बहुत अच्छा आंसर है इसके लिए कि मुझे सबसे बड़ी खुशी इस चीज़ की है कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे अरमान गाना गाने जाता है स्टूडियो में, बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करता है, तो मुझे सिर्फ संगीतकारों के फ़ोन आते हैं क्योंकि जब मेरे बच्चे जाते हैं स्टूडियो में तो अकेले जाते हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं होता और ना ही मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ. क्योंकि मैंने बचपन से ही, बहुत छोटी सी उम्र से मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया था कि मैं कभी किसी लेवल पे तुम लोगों को तुम्हारे काम में हेल्प नहीं करूँगा, आई विल बी अ बैकबोन. और उनको हर एक संगीत की शैली में खुद सीखना पड़ा, खुद मेहनत करनी पड़ी, मैंने उनको सपोर्ट किया एज अ फादर. बट आज जब संगीत पे, जब ये वायरल स्टूडियो जाता है या बड़े बड़े स्टूडियो में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर जाता है, तो मुझे जाके इसको सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये 17 साल की उम्र से ही अनसपोर्टेड काम इसने निहत्थे अकेले किया और वही मेरी जिद थी, वही मेरी ड्रीम है जो इन्होंने पूरी की. बिल्कुल, मेरे फैमिली में थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. ए जाते हुए लम्हों, सारंगा तेरी याद में, ऐसे ऐसे गाने हैं 3 दिग्गजों से, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मैं रहूँ या ना रहूँ बनाना पड़ा जिंदगी में. एंड ये अच्छी बात है, यानी ये प्रेशर भी ज़रूरी है. शायद अगर ये प्रेशर नहीं होता तो आप डबल मेहनत नहीं करते. मुझे पता था कि मेरे फैमिली में बहुत ग्रेट म्यूज़िक होता है और हो चुका है इतने साल, तो बेस्ट ही करना था. दोनों भाइयों के पास कभी ऑप्शन नहीं था कि हम ऑर्डिनरी काम करेंगे, करेंगे तो बेस्ट करें, नहीं तो करेंगे. अमल,
अरमान तो हर चीज देख लेता है, जो जो अरमान भी रिलीज करता है। अरमान अभी उसका रिएक्शन फटेगा भी जैसे 6 जुलाई को। उसको उसको वीडियो के थोड़े पूरा वीडियो नहीं देखा है बट उसको टीजर्स देखा है तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी। हाँ जी डब्बू जी, 15 साल पहले ही उन्हें इंटरव्यू किया था, आप साथ में थे, आप इनके फ्रेंड की तरह साथ में रहते हैं, चाहे कोई आवाज़ सुनो म्यूजिक को क्या कहना चाहिए आज, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप इसे साथ में देखते हैं क्या? मैं सारी खुशियाँ बटोरना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, मुझे जब फिल्म फेयर अवार्ड पूरी जिंदगी में पार्टी में नहीं बुलाया गया था, जब दोनों बच्चों को एक ही दिन पे बेस्ट सिंगर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, उस दिन से लेके आज तक मैं हर अवार्ड को लगा के अपने साथ अपने जिस्म पे लपेट के 50 के 50 ऑर्नामेंट बना के घूमता हूँ, तो वो मैं बहुत उस चीज़ में बहुत उत्सुक रहता हूँ और मेरी हर एक जो मोमेंट जो गुजरती है उसके अंदर हर अमल का गाना, अरमान का गाना, इनका संगीत, इनका काम, इनके अवार्ड, सब चीज के अंदर ये काम में बिजी रहते हैं, खुशी में बटोरता रहता। ऐसे पापा होना बहुत जरूरी है, यानी बहुत कम लोग ऐसे खुश नसीब है जिनके डैड उनके दोस्त भी है, यू नो, कि मैं अपने दिल की कुछ भी प्रॉब्लम हो बात हो इनके, इनको मैं बोलता तो ये कभी ऑब्वियसली फादरली एडवाइस भी देते हैं बट 90% ऑफ द टाइम एक दोस्त वाली एडवाइस देते हैं जिसकी वजह से लगता है हाँ, यानी इज माई डैड बट इज माई ब्रो ऑल्सो। बहुत डिफिकल्ट था दोनों, कश्मीर में एक्चुअली 2009 में एक बार विजिट कर चुका था तो मुझे अंदाजा था कितना खूबसूरत है कश्मीर, और शूट के एक दिन पहले हम रैकी पे गए थे तो हमने सिर्फ एक दिन की रैकी की है, मैं, डब्बू जी और हाशिम, हम तीन गए और हमने कश्मीर के क्रू को मिला और हमने रैकी की, एक ही दिन का रैकी था तो अगले दिन हमने शूट कर लिया, तो हमको जो भी दिखा कश्मीर में सब खूबसूरत ही था, तो हम बोला ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग अच्छा लगा गाड़ी रोक के हमने शूटिंग कर ली। जिस तरह से इन्होंने फेथ दिखाया और पूरी यंग टीम को, नहीं तो हर इंसान पूछता है कि डायरेक्टर कौन आएगा और फिर वो ये कौन करेगा, मार्केटिंग कौन करेगा, जिस तरह से इन्होंने ब्लाइंड फेथ दिखाया टू द एंटायर क्रू एंड द पीपल who were working on it, yes. I think completely non-interfering, so we are very very proud to be associated with them. Thank you very much. Thank you, Meek. Thank you, guys. Haan. Check, check. Just abhi hum aapko sun rahe hain, you were very emotional. I can't hear you, sorry. You got very emotional in an interview just today. वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है मेरे लिए, वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है एंड उनकी जर्नी से मैं बहुत रिलेट करती हूँ एक्चुअली, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आज कुछ बोलना नहीं चाहूँगी इसके ऊपर, बट मैं ये कहूँगी कि इट्स अ वेरी ट्रेजिक लॉस एंड हम एक ही जगह से आते हैं, यू नो द वे वी स्टार्टेड अ जर्नी, इट्स सो रिलेटेबल टू मी, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है और मैं अभी भी उस आई एम स्टिल ग्रीविंग ऑन इट, तो मैं अभी भी मौन कर रही हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, तो जब व्हेन आई फील बेटर वी विल टॉक अबाउट इट। नॉट राइट, थोड़ी देर पहले कहा कि कंपोजर सिंगर तो आप अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है हमें कैन वी सी मोर ऑफ यू ऑन स्क्रीन, यू आर सी प्लान टू फिनिश आल्सो इन फ्यूचर वी कैन सी मोर ऑफ द एंटायर। सो आई विल गिव यू द आईडिया व्हिच इज वी आर वर्किंग इन इट ऑलरेडी, और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ही मैं अनाउंस कर देता हूँ कि डेफिनेटली ये करेंगे, लेकिन ही विल प्ले अमल मलिक एंड दैट विल बी हिज फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट ऑन एक्टिंग, एंड ही विल प्ले अमल मलिक, द अमल मलिक, ऑल द सॉन्ग्स विल बी मेड बाय, विल बी डायरेक्टेड बाय क्रिश एंड मनप्रीत इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, एंड इट विल बी अ वेब सीरीज एंड नॉट अ फिल्म 100%, एंड इट विल डेफिनेटली बी अबाउट अ रेबेल रॉक स्टार। वी कमिंग चलो ठीक है, कोई वास्ता नहीं तेरा मेरा ज
से कोई राबता नहीं, तुमने चुना कोई रास्ता नया, मैंने चुनी कोई राह नहीं, मैंने हाथ ये छोड़ा तेरा कि तू लौट आएगा, कभी ये नहीं सोचा था तू मुझे भूल जाएगा, दिल किसी और का ना, दिल किसी और का ना हो पाएगा, ओ बाकी जल्दी देखते हैं।